हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन की, जो कि आजकल चर्चा में काफ़ी है। हर कोई जानना चाहता है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन होता क्या है और कोरोना में इसके बेनिफिट क्या है, ये सक्सेस है या नहीं है। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं हम, तो चलिए देखते हैं ये दिखता कैसा है। और इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे आफताब भाई। तो चलिए आफताब भाई से जानते हैं कि इस इंजेक्शन में है क्या। तो हाँ, तो आज आफताब भाई कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ भाई। आज बहुत बड़ा काम मिला मुझे रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने के, जो कि मैं अभी ला चुका हूँ। ये आपके सामने है रेमडेसिविर इंजेक्शन। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, तो चलिए आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने ये पन्नी ओपन किया, दो इंजेक्शन इसमें है। एक इंजेक्शन ये है और एक हमारा इंजेक्शन ये है। इसके साथ हमें एक बर्फ भी मिला है, जो कि इसका टेम्परेचर लेवल करने के लिए है, इसका टेम्परेचर कम ना हो, इसलिए हमें ये मिला रेमडेसिविर इंजेक्शन। तो चलिए आज देखते हैं। इस इंजेक्शन की एक्सपायरी है 3/22। इसकी एमआरपी है 3490 रुपये, जो कि आप देख सकते हैं इसकी एमआरपी और मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी कब का है। ये है इसकी मार्केटिंग करता है हेट्रो कंपनी का नाम है। ये 5 mg में अवेलेबल है, रेमडेसिविर इंजेक्शन 100 mg 20 ml कोवी4 TM, यूज़ ओनली इंडिया, नॉट फॉर एक्सपोर्ट। तो ये सिर्फ इंडिया के लिए ये अवेलेबल, ये इसको बाहर एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये इंजेक्शन नॉर्मली मिल रहा है क्या हर किसी को? ये हर किसी को तो नहीं मिल रहा, इसका एक एक कोटा होता है, जो कि कलेक्टर द्वारा इसको इशू करवाया जाता है। तो कलेक्टर जितना इशू करता है, सिर्फ उतने इंजेक्शन हमें मिलती है। जो एक इंसान को लगता है 6 इंजेक्शन, और हमें सिर्फ अभी मिली है 2 इंजेक्शन, अभी इशू हुआ है, और आगे इशू होगा तो हम आपको इसकी जानकारी ज़रूर देंगे। इस कंपनी का नाम है हेट्रो लैब्स लिमिटेड, जो कि इसके मार्केट मार्केट करता है। यह हैदराबाद में स्थित हैदराबाद तेलंगाना तो कितना इंडिया। परेशान होना पड़ा आपको इस बहुत इंजेक्शन ज़्यादा के लिए? परेशान होना पड़ा, कहीं भी ये इंजेक्शन अवेलेबल है नहीं। आपने इसको ब्लैक में लिया है क्या? ब्लैक में नहीं, गलती से ले मत लेना, क्योंकि इसमें मिलावट भी आ रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की जगह आपको पानी भी मिला के दिया जा सकता है, तो इस चीज़ों से सावधान रहे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत हो रही है मार्केट में। तो इसका टेम्परेचर कम ना हो जाए, हाई ना हो जाए, इसलिए हम इसको वापस बॉक्स में रख देते हैं, क्योंकि इसके साथ बर्फ भी मिला है, क्योंकि इसका टेम्परेचर लेवल ठीक रखता है। तो दोस्तों, जिस हॉस्पिटल ने हमें ये इंजेक्शन लाने के लिए बोला था, जिस पेशेंट के लिए ये ज़रूरत थी, तो हम उसके लिए लेके आ गए हैं। तो हमने सोचा आपको दिखा दे, ताकि इसके बारे में सटीक जानकारी आपको हम दे सके। तो अब हम इसको रख के इसको डिलीवर करने जा रहे हैं। तो अब हम इसको पैक कर देते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें बर्फ़, जो कि इसके लिए मेन यूज़ यही है, बर्फ। हमने इसको पैक कर दिया है, अब हम जा रहे हैं इसको। हेलो दोस्तों, जैसा कि आफ्ताब भाई ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में आप सबको बता दिया है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना मुझे है ना उन्हें है। जितनी इन्फॉर्मेशन हमें थी, हमने आपके साथ शेयर की है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ डॉक्टर ही बता सकता, उसके अलावा कोई नहीं बता सकता। जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, हमने आपके साथ शेयर की है। इंजेक्शन हमारे पास आया, तो हमने सोचा आप लोगों को दिखा दिया जाए कि इंजेक्शन होता कैसा है। इससे ज़्यादा हमें भी इस इंजेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता। तो चैनल पे अगर आप नए हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यार, चैनल अभी न्यू बनाया है, तो आप लोगों का सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को। और वीडियो देखते समय वीडियो को लाइक पहले कर दें, फिर वीडियो पूरी देखें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।